ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवराज सिंह चौहान, ने 29 नवंबर 2005 को पहली बार प्रदेश की कमान उस वक्त संभाली जब पार्टी और प्रदेश में आए सियासी भूचाल में बीजेपी की साख बचाना ही मुश्किल था। राजनीतिक ज्वार भाटे और उठापटक ने सरकार रूपी जहाज को किनारे का रुख करने को मजबूर कर दिया था, लेकिन शिवराज ने न केवल प्रशासनिक आशंकाओं और राजनीतिक अटकलों को विराम दिया बल्कि प्रदेश की जनता को संवेदनशील और आत्मीय शासन प्रशासन का एहसास भी कराया। लोक सेवा गारंटी विधेयक के जरिए सरकारी सिस्टम में हावी लाल फीताशाही को खत्म कर दिया गया और वो भी बिना किसी क्रांति और बिना किसी कर्तव्य के। शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश की जनता के लिए सबसे भरोसेमंद और अपना सा एक नाम, जिसने राजनीति को एक ऐसा नया स्टाइल दिया जिसमें हर दरवाजे पर दस्तक देकर वो सीधे प्रदेश की जनता के दिल में उतरते गए। शिवराज सिंह ने घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क बढ़ाया, जनता को समय दिया, उनके काम करने के तरीकों ने जनता का दिल जीत लिया, बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना डाला और इन्हीं तमाम गुणों के चलते जनता को भी मुख्यमंत्री अपने परिवार के सदस्य सा ही लगता है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। लेकिन कांग्रेस ने इन कमियों और भूलों से कभी सीख नहीं ली और इसका फल भी उन्हें हर बार हार के रूप में भुगतना पड़ा। सरकार के तौर पर कदम रखते ही शिवराज ने प्रदेश से भय, भूख और अंधेरे को वनवास पर भेज दिया। दिल्ली समेत कई अन्य राज्य आज भी बिजली कटौती से दो चार हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के 52,000 गांव बिजली से जगमगा रहे हैं। जहां दूसरे प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा कानून के अमल के लिए तैयारियां की जा रही हैं, वहीं मध्य प्रदेश में बीपीएल अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों और मेहनत कशों को 1 रुपया किलो चावल और गेहूं की सौगात पहले से ही सुकून दे चुकी है। प्रदेश की गरीब जनता के लिए भी अब रोटी, कपड़ा और मकान बेबसी नहीं रही। शिवराज ने जनता के हर तबके से सीधा संवाद बनाया, किसी के मामा, किसी के भाई तो किसी के साथ बेटे का रिश्ता गढ़ते गए और उनके दुखों को हरते गए। शिवराज सरकार ने किसानों को 0% ब्याज दर पर कर्ज और क्रेडिट कार्ड देकर राहत पहुंचाई। लोक कल्याण शिविर, ऑनलाइन समाधान, स्वराज मिशन और जन सुनवाई कार्यक्रम जैसी योजनाओं के जरिए प्रदेश की तस्वीर बदलने की कोशिश की। आदिवासियों पर चल रहे मुकदमे वापस लेना, खेती को लाभ का धंधा बनाने के साथ ही कृषि विकास दर को 3 से 18.89% पर पहुंचा दिया, जिसके लिए प्रदेश को राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना ने देश से लेकर विदेश तक ख्याति अर्जित की। वहीं प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की शानदार जीत ने भी इस बात को सही साबित कर दिया कि जनता को जमीनी नायक चाहिए, अपने जैसा नायक चाहिए। और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इन तमाम गुणों से लबरेज हैं, जिसकी जनता को दरकार है, जिन्होंने सत्ता की हैट्रिक लगाकर विरोधियों को सबक भी सिखाया है कि जीत पैसे की नहीं, जीत नाम की नहीं, जीत बड़े बड़े बैनरों की नहीं, बल्कि जीत विनम्रता की होती है, जीत काम की होती है, जीत विकास की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया न्यूज। शिवराज बन गए हैं सांता क्लॉज। जी हां, आपको भले ही अचरज लगे लेकिन जिस तेजी से शिवराज ने अपनी तीसरी पारी में काम शुरू किया है उसे देखकर तो यही लगता है कि शिवराज सांता बनकर आम जनता पर सौगातों की बरसात करते रहेंगे, और ऐसा केवल क्रिसमस के मौके पर नहीं बल्कि साल के 365 दिन यह सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस ने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान सौंपकर मुकाबले को पेचीदा बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जनता ने अपने जनादेश में शिव की सादगी और अपने पन को तरजीह दी है।
बेहद कमजोर दिखती कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जान फूंकने की लाख कोशिशें की। एक बार की लगा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ भाजपा से मुकाबला करने खड़ी है, लिहाजा कयास लगाने के दौर शुरू हुए। कांग्रेस को भी यकीन था कि बेहतर प्रदर्शन कर वो 120 सीट पर जीत के करीब पहुंच जाएगी। अनुमान तो ये तक लगाए गए कि कांग्रेस भी सत्ता हासिल कर सकती है। युवराज राहुल ने भी खास फोकस किया मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी और टिकटों के बंटवारे पर भी। कांग्रेस की सारी कवायद देख लगा कि भाजपा के लिए आसान दिख रहा मुकाबला अब काफी कड़ा होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब अपने संगठन के साथ जबरदस्त प्रचार अभियान पर निकले तो उन्होंने सारे समीकरणों को ही बदल दिया। फिर भाजपा फिर शिवराज का नारा लेकर चुनावी रण में उतरी भाजपा और शिवराज सिंह चौहान को जनता का आशीर्वाद मिला, और वो भी सभी अनुमानों से कहीं ज्यादा। और ये साबित हो गया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रिय छवि की जीत है, सरकार की कल्याणकारी और लोक लुभावन योजनाओं की जीत है। हालांकि नेतृत्व जीत का श्रेय भाजपा की विचारधारा और नरेंद्र मोदी फैक्टर के साथ ही सुशासन को भी दे रहा है, लेकिन सभी इस हकीकत को भी मान रहे हैं कि शिवराज का चेहरा सूबे में भाजपा की करिश्माई जीत की सबसे अहम वजह बना है। शिव ने जन जन के दिलों में जगह बनाई और अब वे प्रदेश में मोदी से भी बड़े ब्रांड बन चुके हैं। जन जन के हृदय में शिवराज जी दिल में है, शिवराज जी हर कार्यकर्ता के दिल में है और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में बसे हुए हैं। जब गाँव में जंगलों के अंदर हम गए, बस्तियों के अंदर, तो लोगों ने उनका काम तो उनको शिवराज भैया कुछ वोट देंगे। किसी ने कहा हमारे तीर्थ दर्शन योजना कराई, कोई कह रहा हमारी बेटी की शादी कराई, किताब भेजी, साइकिल दिया, विकलांगों को सफर दी, ऐसे हर योजना घर घर तक पहुंची है और उसका सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी का घर घर में स्वागत हो रहा, घर घर से आशीर्वाद सहयोग मिला है। मोदी जी से एक बड़े ब्रांड बड़े बैनर है मध्य प्रदेश में, सभी हैं दिल्ली में हमारे माननीय मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश के हमारे माननीय शिवराज जी चौहान साहब हैं और दोनों हमारे लिए सम्मानीय है। शिवराज सिंह चौहान के पुराने कार्यकाल की कई सरकारी योजनाओं ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और बेटी बचाओ अभियान से जहां वे महिला वर्ग में ब्रांड बने, वहीं बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ दर्शन करवाकर उनके वोट अपनी झोली में डाले। जीत सुनिश्चित करने के लिए शिवराज जन आशीर्वाद मांगने प्रदेश के शहर शहर और गांव गांव तक पहुंचे। हालांकि सरकार की तरफ से जनता के बीच सब अच्छा अच्छा हो ऐसा नहीं था। प्रदेश सरकार के बहुतेरे मंत्रियों और विधायकों को लेकर जनता में भारी गुस्सा भी था, लिहाजा जन आशीर्वाद और चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज ने प्रत्याशियों के लिए वोट न मांगकर अपने नाम पर मतदान करने की अपील की। और जनता के संदेश के बाद भाजपा ने काफी हद तक सावधानी भी बरती। तकरीबन 50 मौजूदा विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया। शिवराज ने इस चुनावी लड़ाई को आम आदमी बनाम महाराज भी बना दिया। शिवराज की यह तरकीब कारगर रही, शिव जनमानस को ये समझाने में सफल रहे कि अब राजनीति में जनता का नेता उनके बीच का ही होना चाहिए। लिहाजा नतीजों में किसी राजवंश या खास परिवार की राजनीति के दिन लगते दिखाई दिए, लेकिन शिवराज के सामने सिंधिया या कांग्रेस ही एक बड़ी चुनौती न थी। केंद्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भाजपा को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की दरकार थी, लेकिन शिवराज दबाव में भी काफी संयत रहे और अपनी सादगी और अपनत्व के जरिए जनता का भरोसा जीतने में सही साबित हुए। भाजपा का आला नेतृत्व भी मानता है कि शिवराज को तीसरी बार सरकार चलाने के लिए ज्यादा चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन सूबे की आम जनता और भाजपा के कार्यकर्ता की तरह भाजपा के नेताओं को पूरा यकीन है कि शिव इस चुनौती से भी आसानी से पार पा लेंगे। अब भाजपा और उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जनता की भावनाओं को संभाल कर रखना है और शिवराज को इस बात पर सख्त होना पड़ेगा कि सरकार में भ्रष्टाचार न पनपे। चौहान ने मध्य प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है। बड़ी जीत और तीसरी पारी से शिवराज सिंह चौहान की केंद्र में स्थिति मजबूत हो गई है और ऐसे में उनकी भूमिका भी बढ़ेगी। नहीं, मुझे लगता है कि चुनौतियां हमेशा सामने रहती है, हम चुनौतियों का मुकाबला कैसे करते हैं सफलता इसी पर तय होती है। ये नेतृत्व की परीक्षा का समय होता है पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए। मुझे लगता है कि हमने तीसरी बार सरकार की जिम्मेदारी ली है तो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं इस राज्य को और बेहतर बनाना, तो वो चुनौतियों का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीत के जरिए शिवराज ने राजनीति में एक नया आयाम गढ़ा है। शिवराज पहली बार प्रदेश को जातिवाद जैसे बंधनों से मुक्त कराते दिख रहे हैं।
शिवराज का एक ही नारा और एक ही एजेंडा रहा, विकास का। जनता से वादा किया कि सत्ता में आने पर विकास की रफ्तार और तेज होगी। कहा जा सकता है कि शिवराज ने विकास के नाम पर फतह हासिल की है। शिव का एकमात्र लक्ष्य है जनसेवा। नेता जीत के बाद लापता ना हो जाएं, जनता के बीच रहें, जनता के बीच दिखें, सुख दुख में शामिल हों, समस्याएं सुने, परेशानियां दूर करने की दिशा में पहल करते दिखें। लिहाजा शिव ने जीत के बाद यही दो टूक संदेश अपने साथियों को दिया है। शिवराज के हौसले बुलंद हों, लेकिन उनके पांव जमीन पर हैं, क्योंकि पांव पांव वाला ये भैया अच्छी तरह से जानता है कि सेवा का मकसद जनता के दिलों में जगह बनाकर ही पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति न्यूज। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शिवराज ने सच में चमत्कार करके दिखाया है। हालांकि उन्हें भी केंद्र के खिलाफ, केंद्र में लोगों को गुस्सा, जो आक्रोश था, उसका फायदा जरूर मिला है। मध्य प्रदेश की जनता अपने क्षेत्र के बीजेपी विधायकों से नाराज थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें शिवराज से उम्मीद भी थी, जिसमें मददगार साबित हुआ शिवराज का करिश्मा, मासूमियत और हर इंसान से रिश्ता जोड़ने की फितरत। तभी तो तमाम नाराजगी के बावजूद लोग शिवराज पर यकीन करने के लिए राजी हो गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जीत बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में एक नए खिलाड़ी की एंट्री है, जो मोदी के समान तीन बार का मुख्यमंत्री है। मोदी का गुजरात तो पहले से विकसित था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा मध्य प्रदेश छोड़ा था जहां बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी चीजें भी गायब थीं। उमा भारती ने मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश को और भी बीमारू बना दिया था। शिवराज ने न केवल मध्य प्रदेश को बीजेपी के लिए वापस लाया, बल्कि उसे विकास के रास्ते पर भी डाल दिया और तीन बार जीत भी लिया। शिवराज की छवि मोदी के विपरीत एक सर्वस्वीकार्य नेता की है। उन्हें मुस्लिम टोपी पहनने से गुरेज नहीं है, उन्हें अहंकारी भी नहीं माना जा सकता है। यानी शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं और बीजेपी के अंदर मोदी विरोधी नेताओं के लिए स्वाभाविक सहयोगी भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के सामने नरेंद्र मोदी से बड़ी लकीर खींच दी है, मोदी के हैट्रिक से भी बड़ी। इससे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर लोकप्रिय होना किसे कहते हैं और उसे नापने का पैमाना होता क्या है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।